अल्लाह हरामदेव की बात कह रहा हूँ, मैं समझा। आनंद लीजिएगा आप, जर्मनी तकनीक से बना हुआ झूला, कुछ भी खाइएगा सब हजम हो जाएगा एकदम। सड़कों में जब आप कार से जाएंगे तो तांगा जैसा आनंद आएगा, ऐसे ऐसे झूला। वो जो झूला है ना, वो जर्मनी से आया हुआ झूला है, ऐसा सड़क है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जाहिद, आप देख रहे हैं डेली। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए पंकज श्रीवास्तव। पंकज श्रीवास्तव से हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की ये कोशिश करेंगे कि आज इस चैनल पे यानी कि डेली हिंद पे जो है पहली बार पंकज श्रीवास्तव जो है हमसे जुड़े हैं, इनसे हम कड़े कड़े सवाल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो ऑफिशियल जो बैनर आप जगह जगह पर देखते होंगे, जहां पे लगातार ये एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है, जिसमें कि ये बताने की कोशिश हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर इसे सरकार बना रही है, वो भी 350 सीट जीतकर। हमारे साथ यहाँ पे पंकज श्रीवास्तव है। पंकज श्रीवास्तव को आप कई ऐसे चैनल्स पे आपने देखा होगा जहाँ पे अपनी बात को बेबाकी से रखते हैं। आज हम इनसे सवाल करेंगे, करे करे सवाल करेंगे। सबसे पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर अभी जो है भारतीय जनता पार्टी के जगह जगह बैनर लगा हुआ है, जिसमें कि ये मतलब दिखाने की और बताने की लोगों को कोशिश हो रही है कि हमारी सरकार बन रही है और हम 350 सीट जीत रहे हैं। निश्चित तौर पर जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश के गरीब जनता के टैक्स के पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है, गधे को शेर साबित करने में लगाया जा रहा है, जिस तरीके से मतलब विज्ञापन पर आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश की सड़कें ओमपुरी की गाल से बदतर स्थिति है। जब आप देश के पूरी मीडिया के पत्रकारों को, मैं दबा के साथ कहता हूँ कि मेरे साथ चलो, मैं लखनऊ में, जहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, लाल बाग चार बाग के इलाके में आपको भ्रमण कराता हूँ, आनंद लीजिएगा आप, जर्मनी तकनीक से बना हुआ झूला, कुछ भी खाइएगा सब हजम हो जाएगा एकदम। सड़कों में जब आप कार से जाएंगे तो तांगा जैसा आनंद आएगा, ऐसे ऐसे झूला। वो जो झूला है ना, वो जर्मनी से आया हुआ झूला है, ऐसा सड़क है। अच्छा, विज्ञापन में नेशनल हाईवे दिखाया जाता है, जहाँ मोदी गब्बर टैक्स लिए जाते हैं, टोल टैक्स लिया जाता है, इन लोगों का बस नहीं चलता है, नहीं तो आपके घर के गेट के सामने एक टोल बूथ बैठा दें। अच्छा, और वो किसको दिया जाता है? जो इनको पार्टी फंड में चंदा देता है। अच्छा, वहाँ सिक्योरिटी गार्ड कौन होता है? SIS जैसी सिक्योरिटी गार्ड होती है, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद की संस्था है। तो ये तमाम कैसे भी करके एन केन प्रकारेन, आपने अभी देखा होगा, मैंने उत्तर प्रदेश में अयोध्या में था, वहाँ लौंडा 25 के नाच चलता है, अल्लाह रुदल के नाच चलेगा, चूंकि भीड़ जुटाना है। आप समझिए, 5 किलो गेहूं या चावल, 18, अरे सुन तो लीजिए, अरे सुन तो सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ, 100 से 90 रुपए का अनाज दे रहे हैं, तो अपने घर से तो दे नहीं रहे। आपका दुकान रहे तब ना आप बोर्ड होर्डिंग लगाइएगा, आपका दुकान ही नहीं है, वो किसका है पैसा? उत्तर प्रदेश के गरीब जनता का। जो 25 से 30 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश की है, उसमें 18 करोड़ लोगों को उन्होंने बना दिया, इनको गरीबी रेखा से जो ऊपर हुआ था लोग, उसको गरीबी रेखा से नीचे ढकेल दिया। तो सवाल इस पर उठता है, सिर्फ विज्ञापन पर नहीं, सवाल देखिए चर्चा किस पर होनी चाहिए? कानपुर की घटना पर, तो आप चले जाते हैं काबुल। बात होनी चाहिए करनाल की घटना पर, तो आप चले जाते हैं कंधार। आपको बात होनी चाहिए इंदौर की घटना पर, तो आप चले जाते हैं इस्लामाबाद। लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि जो काबुल के बारे में जो हमारे न्यूज चैनल, जो हमारे इंडियन मीडिया है, उसके ऊपर दिखाया जा रहा है, वो यूपी चुनाव को लेकर के दिखाया जा रहा है, किसी तरीके से यहाँ पे हिंदुओं को डराया जाए। देखिए बात क्या है, अफगानिस्तान के भोले भाले युवकों को किसने हथियार दिए, किसने पैसे दिए, बात इसकी होना चाहिए। जिस हिसाब से आज अमेरिका समेत कई देश मुस्लिमों को आतंकवाद से जोड़ रहे हैं, आप समझिए वही आइडियोलॉजी पर भाजपा के लोग चल रहे हैं। अगर मुसलमान आतंकवादी होता, मुस्लिम धर्म में आतंकवाद शब्द की बात होती, तो इंडोनेशिया में आतंकवादी होते, जहां 2% हिंदू हैं, 98% मुसलमान हैं। सऊदी अरब में होता तो वहाँ क्यों नहीं है? अमरीका ने मैट्रिक टन, हजारों मैट्रिक टन हथियार दिए, पैसे दिए, क्यों? रसिया के खिलाफ लड़ने के लिए। वहाँ की जनता को खराब किया गया, यहाँ भी वही काम हो रहा है। भगवा तालिबान, आप समझिए, कानपुर की घटना आप देख लीजिए, लोकतंत्र के मंदिर के बाहर, इंदौर की घटना, उज्जैन की घटना आज हुई है कल में, करनाल की घटना। आप सुल्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा। कौन लोग हैं, इनको फंडिंग कौन कर रहा है? बिलियन माइंड्स स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन की जांच होनी चाहिए। और भी कई संगठन हैं जो 7 साल पहले अन्ना हजारे रामलीला मैदान में आंदोलन किया था, उसका खर्चा कौन दिया था?
पौने दो आँख वाला बाबा जो 200 करोड़ रुपया हर गांव को देने की बात कर रहा था, उस समय साइकिल से वो मट्ठा बेचता था, पौने दो आँख मतलब लाला हरामदेव, आपको नहीं दिखा? नाम बता दीजिए किसकी? लाला हरामदेव की बात कह रहा हूँ। कौन ना, मैं समझा कर रहा तो वो सब पूरा देश जानता है। 200 रुपया दे रहा था अमेरिका और ब्रिटेन से आगे ले जाने की बात कर रहा था देश को, वो पैसा कहाँ है? जन लोकपाल कहाँ है? अच्छे दिन कहाँ है? काला दिन कहाँ है? महिलाओं की सुरक्षा की बात कहाँ है? उस पर बात ही नहीं होती। अच्छा। उस पर तो कभी चर्चा ही नहीं होती। बात खत्म। आप लोग तो कर रहे हैं ना बात, हमारी बात आप दिखाते हैं? बिल्कुल दिखा दे आप जो आपने दिखाई है, आपने दिखाई है सर, हम रहे आप समझिए। जिस तालिबान के मुद्दे को दिखाया जाता है, ये भी एक तालिबानी ये है। लोग उदाहरण क्या देते हैं? कपड़ा लत्ता। तो कपड़ा लत्ता क्या होता है? क्या कपड़ा लत्ता मतलब क्या होता है? कोरी खाना पीना यही सब चीज होता है ना, यही। अगर अफगानिस्तान के लोग अगर धार्मिक कट्टरता और नफरत से जंग लड़े होते तो आज अफगानिस्तान के ही लोगों पर इस तरीके के बुरे सलूक नहीं होते। यही हिंदुस्तान के लोगों को जागना पड़ेगा। जो धार्मिक कट्टरता और नफरत की बात की जा रही है, पूरे देश को एक होकर इसके खिलाफ लड़ना होगा। त्याग का नाम हिंदू। अरे सुन तो लो यार, अरे हमारा भारत सुन नहीं रहे, मैं क्या कह रहा हूँ उस पर ही बताऊंगा। अरे सुन तो लो, सुन नहीं रहे आप, सुनो फिर बात को काटो नहीं ना। ये हिंदुस्तान है, मेरा भारत महान कैसे है? त्याग का नाम है हिंदू, ईमान का नाम है मुसलमान, आप समझो। अहिंसा का नाम है जैन, आप बौद्ध का नाम है शांति। तो तभी तो भारत मेरा महान है। यहाँ सभी ईसाई हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, तब हमारा भारत महान हुआ। हम विश्व में तीसरी शक्ति थे, हमारी तुलना अमेरिका से हो रही थी, जर्मनी से हो रही थी, आज हम नेपाल से पीछे हो गए, हम श्रीलंका से पीछे हो गए। कह तो रहे देश मजबूत हो रहा है, आप कह रहे हैं कि हम पीछे हो गए, माइनस में जीडीपी, कह रहे हैं कि हम देश मजबूत कर रहे हैं। अरे तो माइनस में जीडीपी चला गया तो मजबूत हो गया, क्या खाते हो यार? कह रहे कि जीडीपी यूडीपी तो फिर से कर लेंगे, अभी हिंदू खतरे में है, अगर मोदी जी नहीं होते, बीजेपी की सरकार नहीं होती। आपके दोनों किडनी सही हैं? बिल्कुल बिल्कुल। एक किडनी बेच लो, कार खरीद लो, खरीदोगे? नहीं खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे। दोनों आंख बेच लो और अपने लिए नया घर बना लो, अच्छा लगेगा आपको? बिल्कुल नहीं लगेगा। मोदी जी की सरकार ने जब राजकोषीय घाटा है, अब समझो बात को, अर्थव्यवस्था सही नहीं है, माइनस में है, जहाँ हमारी 10.5% होती थी, 11% के करीब थी, हम विश्व में तीसरे देशों में शुमार हो रहे थे, आज हमारा $5 ट्रिलियन पुई 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 गौरव पत्रा हराम का खाने वाला करता रहता है टीवी चैनल में बैठ के। ये राष्ट्रीय जोकरों की पूरी टीम बैठा रखी है चैनलों में, और आप लोग क्या करते हो? ऑडियंस किराए का, गेस्ट किराए का, और उसको उल्टा घर से लाते हो, ले जाते हो, खाना खिलाते हो, पैसे देते हो, सारे किराए के बैठा के आप पूरी देश चलाते हो। चैनल पे जो पंडित जी मुल्ला जी बैठते हैं सब किराए के होते हैं, पैसा दे के जाता है। आपको लग रहा है पैसा देके है? तो मुझे भी बैठा दो, अगर नहीं पैसे लेके मिलता बैठता है तो हमें भी बैठा दो। अच्छा, हमारे बात का जवाब दिला देना, किसी चैनल पर बिठा दो। क्यों नहीं बैठते डिबेट में? हाँ है? आप क्यों नहीं बैठते? बिठवा दोगे? बीजेपी हेडक्वार्टर तय करता है कि चैनल में कौन आदमी गाली सुनेगा, जिससे चैनल वाले 5,000 का चेक देगा। ये मुच्छर, बड़ी बड़ी मुच्छों वाला गाली देता है माँ बहन की। आज अर्णब गोस्वामी को क्यों नहीं गाली देता बताओ? अनवय नाइक के सुसाइड नोट के कारण अनवय नाइक का पैसा मार लिया, तो अक्षता नायक और प्रज्ञा नायक को आज तकलीफ झेलना पड़ रहा है। कभी उस पर बात हुआ? जो रूबिका लियाकत, आप समझिए, सपा सांसद और मौलाना के बयान के बाद कह रहे थे कि तालिबान जाने का जिसको किराया चाहिए ले लो, तो आपसे तो चंदे कदमे की दूरी पर है अर्णब गोस्वामी, तालिबान का समर्थन किया था, उसको भी तो किराया दे दो, नहीं है तो मेरे से मांग लो। बाबा रामदेव ने तालिबान से बात करने की बात की, त्रिपुरा का भाजपा विधायक अरुण चंद्र भौमिक ने बात की, तो उस पर नहीं बात करते हैं, उसको किराया नहीं दे सकती है रूबिका लियाकत। यार फिर वही बात, अभी सरकार अभी कोई इस पर निर्णय नहीं लिया ना, सरकार तो अभी अस्थिर है कि सरकार ये देखे कि करना क्या है। उखना नहीं है, आपने मौलाना को और सपा सांसद के बयान को दिखाया ना 5 दिन, अरुण चंद्र भौमिक जो त्रिपुरा का विधायक है भाजपा का, जिसने कहा विपक्षी नेताओं पर तालिबानी स्टाइल में कार्रवाई होनी चाहिए, तो उस पर क्यों नहीं करते, उसका क्यों नहीं दिखाते आप? माने आप कीजिए तो लीला, और देश की जनता अगर गलती से भी कुछ कर दिया तो उसका कैरेक्टर ढीला है। आपका हमारा कुत्ता कुत्ता, आपका कुत्ता टॉमी,
आप फिर इधर आ जाइए, उधर आ जाइए, थोड़ा आपको पता नहीं क्या डांस वांस घूम रहे हैं वो ज्यादा, तो घूम नहीं रहे आप लोग, मोदी जी को भी घुमा रहे, योगी को भी घुमा रहे आप? हम ना घुमा रहे, मोदी जी तो पूरा देश को घुमा रहे। अच्छा, माल महाराज के मिर्जा खेले होली, हाँ। बाप मरा अंधेरे में बेटा का नाम पावर हाउस, देश की जनता गरीब मर रही है उसी के पैसे से। अरे सुन तो लो, क्या बोल कहते थे ना प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी जन आशीर्वाद यात्रा कर रहे हैं, अब कोरोना की तीसरी लहर नहीं आएगी? बताओ बताओ, है आप लोगों में हिम्मत देश की मीडिया में पूछे सवाल कि जब 2 अगस्त में सितंबर में कोरोना वुहान शहर में आया तो चाइना के साथ झूला क्यों झूला शी जिनपिंग के साथ? है हिम्मत सवाल पूछने की कि जब 31 दिसंबर को WHO ने कहा तो प्रधानमंत्री जी को 300 सांसद, 17 मुख्यमंत्री, 40 केंद्रीय मंत्री, 70 राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता के साथ क्या दिल्ली में चुनाव प्रचार करना था? क्या ट्रंप की गुलामी करनी थी? ट्रंप की गुलामी, 22 विधायकों की नीलामी ने देश का भट्ठा बिठा दिया। 23 मार्च तक शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनी, आप समझो 24 तारीख को कोरोना लग गया। कोरोना वायरस क्या कहता है कि जहाँ जहाँ बीजेपी का नेता जाएगा बीजेपी अछूत है, डर से नहीं जा रहा है कि हमको भी बेच देगा, आप समझो ना। मतलब फिर वह बात के मांग कि कोरोना है, कोरोना है ना, इस मानते हैं ना। 23 मार्च तक कोरोना नहीं है, बिहार में चुनाव में कोरोना नहीं है, बंगाल के चुनाव में कोरोना नहीं है, हैदराबाद के चुनाव में कोरोना नहीं है, अभी यूपी में जन आशीर्वाद हो रहा है, हरियाणा में हो रहा है, तो वहाँ कोरोना नहीं है? अरे बताओ ना भैया, तीसरी लहर फैलेगी कि नहीं जन आशीर्वाद यात्रा से? पत्रकार हो कुछ तो शर्म करो, माने अरे हम एक आम आदमी अगर मास्क नहीं लगाएगा तो उसको चालान काटोगे, और भाजपा के तमाम नेता मंत्री लाखों की भीड़ करेगा तो वहाँ मास्क नहीं लगाएगा, नहीं लगाओगे? अभी कुछ दिन पहले मीनाक्षी लेखी का यहाँ पर रोड शो हो रहा था, तो मोदी जी भी नहीं लगाते हैं मास्क, कभी बहुत बार देखा होगा। एक देश में दो कानून चलेगा, एक देश में दो संविधान चलेगा, मंत्री है वो, फिर बात माने गरीब आदमी जिसके पास 2000 रुपया नहीं है, घर का गहना जेवर चोरी करके, अब सुनो मास्क कहाँ से लाएगा बताओ? प्रधानमंत्री दलिदर है, प्रधानमंत्री के पास मास्क का पैसा नहीं है, प्रधानमंत्री दलिदर है, मास्क नहीं लगाएगा, गृह मंत्री नहीं लगाएगा, क्या यार कहाँ से पढ़ के आते हो आप बताओ ना, सवाल बेतुके मत किया करो, कानून होनी चाहिए, इम्प्लीमेंट कानून का कौन करेगा? जिसके हाथ में कानून बचाने की जवाबदेही है, कानून अमेरिका में लागू होता है, आप समझिए अमेरिका में जब काले गोरों का झगड़ा हुआ वहाँ की पुलिस उस बच्ची के सामने नतमस्तक थी, घुटने टेक रही थी, हमारे देश में सर फाड़ दिया, क्यों? वो आयुष सिन्हा कौन है, RSS का प्रचारक, भाजपा का राज्यसभा सदस्य, राकेश सिन्हा का करीबी है, खुलेआम बोला उसने, एकदम स्टाइल दिया, तालिबानी फरमान किया, जो काम साइमन कमीशन के विरोध में गोरे अंग्रेजों ने किया, ये काले अंग्रेजों की सरकार में आयुष सिन्हा ने लोगों को जबरन मारा पीटा, और ये खटारा सरकार वाहवाही दे रही है अपने ही लोगों को। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में ढोंगी अपराधनाथ की सरकार में पूर्व आईजी के साथ जो बदसलूकी हुई, मानो वो आतंकवादी हो, आतंकी हो, जिस तरीके से उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, कितनी बेहद शर्मनाक बातें हैं। आपने देखा होगा जो प्रशांत कुमार को जिसने मारा, उसको भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में अध्यक्ष बनाया, वो भदौरिया का आदमी जो बम गोला बारूद लेके आने की बात किया, जो कान में फ़ोन लगा रखा, जो आपने देखा होगा SHO को मारा गया, जो वहाँ चुनाव में जीता हुआ को महिला को साड़ी खोल ली गई, आपने हाथरस की घटना देखी होगी, आपने दिल्ली की घटना देखी, वो छोड़िए उत्तर प्रदेश दूर है, प्रधानमंत्री के चंद कदम आवास की दूरी पर है। वाल्मीकि समाज की बिटिया के साथ पानी के लिए बलात्कार हुआ, पुजारी ने बलात्कार किया, पुजारी कौन है, कहाँ का है, नहीं है, अपराधी है, ढोंगी है, आपने पता की? मामला खत्म। प्रधानमंत्री विराट कोहली पर ट्वीट करते हैं, प्रधानमंत्री वहाँ क्यों नहीं पहुँचते हैं? प्रधानमंत्री वाल्मीकि मंदिर जाके झाड़ू पकड़ते हैं, प्रधानमंत्री वहाँ क्यों नहीं जाते हैं? प्रधानमंत्री रविदास समाज की बिटिया के साथ पूर्वी दिल्ली में हुआ, वहाँ नहीं गए, प्रधानमंत्री वहाँ नहीं जा रहे, हिंदू खतले में है। तो चंद्र प्रकाश भारद्वाज आदर्श नगर का SHO हिंदू नहीं है, बताए ये जितने लोगों का नाम मैंने बताया वो हिंदू नहीं है, लोगों को समझना होगा, ये हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है, ये सवाल देश बेचने का है, हमें और आपको, हिंदू और मुसलमान, भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान में उलझा कर देश बेचने के लिए ये मुद्रा जो लभी पाइपलाइन योजना, प्रधानमंत्री सेल लगा ले लीजिए, चौराहे पर बोर्ड टांग दीजिए कि जो भी रेल खरीदिएगा कॉन्टेक्ट कीजिए रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर से संपर्क करें, हम लोग भी फेसबुक में और सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराएंगे कि भाई प्रधानमंत्री से जिसको औकात होगा वो खरीद लेगा। ये अंबानी अडानी का तोता है,
आप समझिए, यह अंबानी अडानी का तोता है, खुद भी रोता है और देश की जनता को भी रुलाता है, 18-18 घंटे बेचता है और 6 घंटे सोता है, 18-18 घंटे बेच ही रहा, क्या काम कर रहा, देश में बनाया क्या, जाओ ना शौचालय बेचो, शौचालय की नीलामी डालो, वो काम नहीं करोगे, 47 साल में कुछ बना ही नहीं, तब बना नहीं तो बेच क्या रहे हो यार, आपने बनाया क्या, आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा, देश का भविष्य क्या होगा, ये तो बताओ, आपसे देश नहीं चल रहा जसोदा बहन जी की तरह, छोड़ दीजिए आप रिजाइन दे दीजिए, चलाएगा देश को, थोड़ा इधर आ जाए, फिर से सवाल करें, कौन चलाएगा देश को? किसने सलाह दिया था अफगानिस्तान के राष्ट्रपति को कि झूला उठा के फरार हो जाओ, किसी दिन हमारा वाला भी भाग जा, क्या करोगे? वो तो प्रधानमंत्री बोले थे कि हम फकीर आदमी झूला उठा के चल, आपके पिताजी ने आपको पढ़ाया लिखाया, 7 साल से जॉब नहीं मिली, समझो आप सोच के देखो, आप कमा लेते हो तो दुनिया नहीं कमाती ना, और 3 साल और रोजगार नहीं दोगे तो जिनके पिताजी मजदूरी करके, किसानी करके, रिक्शा चला के, ठेला चला के पेट पाला, पढ़ाया लिखाया, उस बच्चे को रोजगार नहीं मिला, कह रहे हैं ना कि हमें रोजगार शिक्षा नहीं चाहिए, हमें मंदिर चाहिए, मंदिर मंदिर, उसकी गलती का सजा हमें दोगे, उस मूर्ख के गलती का सजा हमें क्यों दोगे, ये बताओ हमारी क्या गलती है, हमारे देश के उन रोजगार मांगने वाले युवाओं की क्या गलती है जिनको आपने हाथ पैर तोड़ के मारा भोपाल में, जिनको लखनऊ में मारा, जिनको दिल्ली में मारा, आप लोग वहां पहुंचते ही नहीं, कोई मीडिया कवरेज ही नहीं करती, उनका क्या कसूर है बताओ तो सही भाई, आपके ही अंधभक्त जो आपकी दला जो हराम का खाता है वो भाजपा का गुण गाता है, समझिए ये सब हराम में खाने वाले लोग हैं, बहुत बड़ा रैकेट है इसका, एक साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत, प्रयोग के तहत इस तरीके के कुकर्म कराए जाते, देश जलाया जाता, देश में बेमनस्ता फैलाई जाती है, नफरत की आग में झोंका जाता है और देश को बेरोजगार गुरु बनाया जाता है, बीमार गुरु बनाया जाता है, इन देशद्रोहियों पर सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती है, जो जाति धर्म पर बात करती हो, भाषा और प्रांत पर बात करती हो, देश सबका है, सबके विकास की बात होनी चाहिए। बात करके बहुत अच्छा लगा। तो मेरे साथ यहाँ पे पंकज श्रीवास्तव जुड़े थे बातचीत करने के लिए, इनसे हमने कई मुद्दों पे बात करने की कोशिश करी है। आपको क्या लगता है इस वीडियो के नीचे कमेंट करो, जरूरत है वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय जवाहर, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।